नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। करीबन 7 महीने के बाद आज सिरसा के निजी व सरकारी स्कूलों में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू हो पाया। आज 9वीं तथा 12वीं कक्षा के बच्चों ने 3 घंटे के लिए कक्षाएं लगाई। आज पहले दिन काफ़ी कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे और जो छात्र स्कूल में आए हैं उनके लिए मास्क पहन करके रखना अनिवार्य है। स्कूल में प्रवेश करते समय बच्चों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। स्कूल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें इसको देखते हुए सभी प्रार्थना सभाओं का आयोजन नहीं किया गया। कक्षाओं में भी एक बेंच पर एक बच्चे को ही बैठाया गया। इसके बाद आज से स्कूल रेगुलर हो जाएगा। साथ ही जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी की गई हैं। स्कूल परिसरों को भी पहले से सैनिटाइज करवाया जा चुका है। कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए स्कूल का पूरा स्टाफ कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। उसके बाद वे स्वस्थ होने के बाद ही स्कूल आ पाएंगे। आप देख रहे हैं सिरसा से पल पल की विशेष रिपोर्ट। पिछले 15-20 दिन से 9 से 12 के बच्चे टीचर से कंसल्ट करने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही थी। अब 9 से 12 के क्लासेस के लिए स्कूल सरकार ने खोले हैं, तो हमने व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था कर ली थी। स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया था और बच्चों के लिए हैंड वॉश के लिए भी प्रॉपर सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, और मतलब सैनिटाइजर भी लगा रखा है जो पैर से चलने वाला, और सारा टाइम टेबल भी हमने, क्योंकि इनका टाइम 9 से 12 का है बच्चों का, तो हमने उस हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लिया है, जिसमें कि आधे आधे घंटे के 6 पीरियड लगेंगे, सभी सब्जेक्ट्स लगभग बच्चों के कवर होंगे। आज बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे आए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा ही बच्चे स्कूल में आए हैं, और जो कि अपने माता पिता की अनुमति लेकर आए हैं और उनकी मर्जी से आए हैं, और अब और भी बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि और बच्चे ज़्यादा आएँ।
ताकि हम नियमित रूप से क्लासेस जो है और अच्छी तरह से लगा सकें, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चे जो हैं वो हमारे क्षेत्र से दूर थे, आमने सामने पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ऑनलाइन चल रही थी, काफ़ी अच्छे प्रयास थे लेकिन फिर भी वो बात नहीं बन पा रही थी, जिसके लिए अभी हमें खुशी है कि आज ये है और ईश्वर सभी बच्चों की और हमारी भी रक्षा करेंगे महामारी से भी, ये मेरी ईश्वर से मनोकामना है जी। हमारे स्टाफ के सभी के हो चुके हैं कोरोना टेस्ट, कुछ स्टाफ मेंबर्स मतलब 20 दिन हो गए लगभग, तब कुछ स्टाफ मेंबर्स पॉजिटिव आए भी थे तो वो क्वारंटाइन रहे और अब वो बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं। जो जिसको यदि कोई एक आध को प्रॉब्लम है तो वो घर में है, अभी घर पे घर से ही काम कर रहे हैं, उनको स्कूल आने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। अभी ऑनलाइन कक्षाएं भी साथ के साथ चलेंगी, क्योंकि कुछ बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं इनकी समस्या है, जब तक ये सभी रेगुलर नहीं होते तब तक तो ऑनलाइन कक्षाएं चलने चलाने के लिए विभाग का निर्देश मिला हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हम खुश हैं कि इतने दिनों बाद स्कूल लगा, और स्कूल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सैनिटाइजर करवाते हैं और थर्मल टेम्परेचर भी चेक करवाते हैं और फिर हमें स्कूल में अंदर प्रवेश किया जाता है। एक बेंच पे एक बच्चे को बिठाया जाता है और दूरी भी सही रहती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, स्कूल में आते साथ ही पहले हैंड सैनिटाइज करा जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर दूरी रखी जाती है क्लास में, और सभी टीचर से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है क्लास में और दूरी बराबर रखी जाती है। आप कैसा लग रहा है, काफी दिनों स्कूल आ गए? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और हम स्कूल आए सैनिटाइजर से आज कराया गया जी। कैसा लग रहा, काफी दिनों बाद स्कूल आए, किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी।